Assalamualaikum and a very good morning. Expresso में आपको खुशामदीद कहेंगे. मैं हूँ अरमुल हसन. मैं इमरान हसन. कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं इस दुआ के साथ कि अच्छे हैं और फोन साइलेंट भी करना होता है. अच्छा जी, सुमित के साथ क्या आप खैरियत से? आपकी सुबह का आगाज बहुत जबरदस्त हुआ है. आज मंडे है, सुबह का आगाज चाहिए क्योंकि मुझे लग रहा है हाथ मारेंगे. टेरिटरी डिविजन है. अच्छा जी, उम्मीद है कि आपकी सुबह का आगाज और हफ्ते का आगाज अच्छा हुआ. यूजुअली हम कहते हैं इट्स अ काइंड ऑफ हैवी डे, थोड़ा मुश्किल होता है इसका आगाज करना. मंडे ब्लूज, इसीलिए मैंने इजहार ये चाहती किया है वेयरिंग ब्लू. तो अल्लाह करे जी अगर अच्छा नहीं हुआ तो अच्छा हो और बहुत अच्छे से गुजरे. कल मैंने खबर पढ़ी थी, थोड़ा पोठवार के कुछ इलाकों में हल्की फुल्की बारिश हुई थी, हल्की फुल्की. और ये भी था कि आगे पेशगोई मौजूद है कि हल्की फुल्की बारिश हो सकती है. तो आई वॉज अमेज कि ये बारिश अभी तक क्यों नहीं हुई, क्योंकि पहले दिसंबर भीगा भीगा होता था. इस दफा हाफ ऑफ दिसंबर इज गॉन एंड देयर इज नो रेन. तो बारिश छोड़ें, जो दिसंबर की सर्दी होती है सर्दी वो नहीं, नहीं आई सर्दी है. नहीं मतलब है. ये वो सर्दी है जो बिल्कुल नॉर्मल है. इसमें हम आराम से एक स्वेटर या एक लेयर के साथ आपका गुजारा. और दिन में आप लिटरली दिन में आप अगर टी शर्ट भी पहनी हो या नॉर्मल शर्ट पहनी हो तो इट्स ओके, कोई फर्क नहीं फील होता. लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था. क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट है गाइस, ये हम किसी तौर पर से डिनाई नहीं कर सकते. जैसे जैसे वेदर चेंज होता है, वेदर की जो ड्यूरेशन है या उसका जो टाइम फ्रेम है वो भी बहुत ज्यादा कम या ज्यादा हो रहा है. एंड इट्स अलार्मिंग, वेरी अलार्मिंग. और साथ साथ दुआ भी कीजिए अल्लाह करे बारिश हो जाए और स्मोक थोड़ी बैठ जाए और मौसम इसके साथ साथ अच्छा हो जाए. खैर, एक बारिश मुल्तान में भी होनी चाहिए और वो बड़ी ज़रूरी है. वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वहाँ पे मैच हो रहा है. लेकिन इससे पहले कि हम उसका तस्करा करें, कल रात एक तो आपका बहुत शुक्रिया जो सोशल मीडिया पे द वे यू रिस्पॉन्डेड फॉर कारवान सराय. एक्सप्रेस न्यूज़ ने अपनी तर्ज का एक मुनफरद एक तजर्बाती प्रोग्राम शुरू किया जिसमें तकरीबन 25 साल के बाद बाकायदा तौर पर बाबा मॉर्निंग शो वैसे और बेहतरीन दास्तान को दुनिया भर में से दोस्तन सरदान तारर साहब हमें नज़र आए. कल इंट्रोडक्टरी शो था इनफैक्ट. कल इसमें मुख्तलिफ लोगों के तजज़ियात शामिल थे, उनकी राय शामिल थी तारर साहब की शख्सियत को लेकर या वो सफ़रनामों को कैसे देखते हैं या ऐसे शोज़ के लिए कि उनके लिए क्या अहमियत है और टेलीविज़न स्क्रीन के लिए कितना इंपॉर्टेंट है. लेकिन ऑनवर्ड्स जो चलेगा तो आई होप कि वो सारे दरीचे जिनका हम जिक्र करते हैं अरबला सोच के ख्याल के वो खुलते चले जाएंगे. एंड यू हैव ग्रेट लर्निंग्स आउट ऑफ दिस प्रोग्राम, हमें उम्मीद है इंशाल्लाह. और अगले संडे से बाकायदा तौर पर दास्तानें आपको सुनने को मिलेंगी और वो दास्तानें आपको पता है कि तार सब जब सुनाएंगे तो उसमें जो इंटरेस्ट होगा, उसमें जो बातें होंगी वो हमसे बहुत ज़्यादा लर्निंग उससे हो सकेगी और साथ साथ बहुत इंटरेस्टिंग भी होने वाली है. तो हर इतवार को शाम 7 बजे ये शो ऑन एयर होगा. कल हुआ था, कल इसकी इंट्रोडक्टरी जैसे इमरान ने कहा एपिसोड थी, इसमें सिर्फ आगाज हुआ कि इब्तदाए इश्क है. नहीं रोता है क्या, नहीं है सिर्फ इब्तदाए इश्क है. और दूसरा कि हर प्रोग्राम के अंदर जी एक अलग टॉपिक होगा, एक अलग मौजू है. जैसे कि वकार भाई ने एक एग्जांपल दी थी जो कि रूह रवान भी हैं इस शो को, काफ़ी हद तक उनका रोल भी है अमल में लाने के लिए, कि जैसे तकसीम एक लफ्ज़ है तो तकसीम के ऊपर एक शो के अंदर बात होगी और उसमें उससे फिर जो लाइफ स्टोरीज रिलेटेड हैं तारर साहब की वो आप सुनेंगे. एंड देन यकीनी तौर पे प्रैक्टिकली ऐसे शख्स की ज़बानी जिसने ज़िंदगी में जैसे कहते हैं नगर नगर की खाक छानी है, जगह जगह घूमे हैं, तो मेरे ख्याल में बहुत अच्छा एक तजियाती एक तस्वर पेश किया जाएगा और आप उसमें से फिर कुछ ना कुछ अपनी ज़िंदगी के लिए ज़रूर हासिल कर पाएंगे. तो आप ज़रूर देखिएगा तारर साहब. एक और इंटरेस्टिंग बात भी इमरान, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि क्रॉस द बॉर्डर और बहुत दुनिया भर से लोग तारर साहब की चूँकि उनके साथ ताल्लुक है एक, आप तो गुलजार साहब जिनको हम कल भी जिक्र कर रहे थे वो भी शो में उनका इसका हिस्सा बनेंगे, बतौर मेहमान शिरकत करेंगे. और ये बड़ी अच्छी बात है कि तार साहब मुख्तलिफ दुनिया में मुख्तलिफ लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हुए हमें नजर आएंगे, उनके तजर्बात हमें सुनाते हुए. कल वैसे मैंने एक बात की कि तारर साहब चंद उन्हें एक बुजुर्गान में से हैं, पुराने तारर साहब को शायद बुजुर्ग कहना चाहिए, बुजुर्गान माइंड करेंगे वो. लेकिन वो चंद ऐसी शख्सियात में से हैं पाकिस्तान में जिनका इस तरीके से किसी प्रोग्राम में ऑन रिकॉर्ड आना बहुत जरूरी है, कुछ अनकही कहना बहुत जरूरी है. सो आई थिंक एक बड़ी नेमत होगा आने वाले वक्त में हमारी जनरेशन के लिए, क्योंकि तारर साहब जैसे लोग हमेशा वैलिड होते हैं, रेलिवेंट होते हैं उनका कॉन्टेंट. सो उस लिहाज से एक बहुत अच्छी कोशिश है, इनशाला आप देखिएगा तो मजीद आपको अच्छा लगेगा. अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं दोबारा से बारिश की. तो एक बारिश हमें मुल्तान में चाहिए और मुल्तान में भी खास तौर पे वहां चाहिए जहां पे इस वक्त क्रिकेट मैच हो रहा है, क्योंकि कौमी टीम फंस गई जे, फिर फंस गई. 4 विकेट्स पर 198 रन तो हमने बना लिया, लेकिन जीत के लिए
अभी मजीद 157 रन चाहिए, 157 मोर नीडेड, एंड इंग्लैंड ने 6 विकेट लेनी है, पाकिस्तान 157 बनाने हैं, कौन जीतेगा? आप सब छोड़े, आप इब्रार की बात करना कैसे भूल? इब्रार तो खैर फिर क्या मतलब क्या बात है, इब्रार ने तो कल परसों कमाल कर दिया, जिस तरह से उन्होंने विकेट ली अपने डेब्यू मैच के अंदर, इससे बड़ी चीज 11 विकेट जाहिद का रिकॉर्ड उन्होंने बराबर किया। और कराची में जी पटेल पाड़ा से इनका ताल्लुक है, कराची के इलाके से, और बड़ी जबरदस्त डिस्कवरी है पाकिस्तान के लिए, कुछ विकेट ने भी ओबियसली उनको हेल्प किया, लेकिन उसके साथ साथ द वे ही बोल्ड और जिस तरीके से उन्होंने आंखें खोली मुख्तलिफ इंग्लिश बैट्समैन की, बैटर्स की, आई थिंक दैट वाज स्पेक्टेकुलर। और आने वाले वक्त में जो तजर्बे की कहना चाहिए ना मनाजिल तय करेंगे, मजीद निखरते चले जाएंगे, और स्पिनर्स की जो यूजुअली प्लेइंग लाइफ होती है वो ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू द फास्ट बॉलर्स, तो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड, हमें बहुत बहुत शिद्दत से जरूरत थी। और एक और बड़ा मजा आएगा कि आने वाले पीएसएल के अंदर भी इनकी जो यू नो इनका पलड़ा ज्यादा और इनकी टीम का भारी रहेगा, इनकी डिमांड बहुत ज्यादा रहेगी। सो आप देखते हैं जी क्या होता है इस मुल्तान में जो टेस्ट मैच जारी है, आपके ख्याल में क्या हो? पता नहीं, कुछ भी हो सकता है, मतलब अपन कंफ्यूज ही चल रहे हैं पाकिस्तानी टीम पे। टेस्ट कमिंग टू अस, मुझे नहीं लगता कि हम जीतेंगे। मैंने उस दिन आपको कहा था ब्राजील हारेगा, यू रिमेम्बर? हार गया ब्राजील, हार गया। मैं ये नहीं चाहता पाकिस्तान हारे, कतई तौर पे हम सीरीज हार जाएंगे, हम एक टेस्ट पहले हार गए, हमें अपने तुक्के अपने, लेकिन वो भी तो खेले, मैं तो तुक्के रोक लूं। चले ब्राजील का जिक्र हमने किया तो हो नहीं सकता कि हम जो कि नहीं थे, हमारी कोई मिसिंग तो नहीं ना पड़नी चाहिए, हम चाहते हैं कि हम बताएंगे, हम बात करते हैं, पेट में दर्द होता है। Have you watched the matches? कितने thrilling थे, कितने जबरदस्त थे। मैंने बस वही मैच देखा जो आप बात कर रहे हैं। वो भी घर में शोर था तो मैंने कहा चलो देखा जाए। भाई brilliant match और बड़े एहतमाम से हमने देखा, और हमारे जिसे कहते हैं पैसे वसूल मैच था। इंग्लैंड और फ्रांस का भी मैच अच्छा था, लेकिन उससे पहले जो मोरक्को का मैच था, वो एक तो हमारी वैसी एफिलिएशन है, अरब अफ्रीकन मुस्लिम टीम है, उसके साथ साथ मुझे जो उनकी सबसे अच्छी बात लगती है कि वो आउट ऑफ, वो कहते हैं ना डार्क हॉर्स के तौर पे सामने आए, किसी को उम्मीद नहीं थी, और फिर उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी तगड़ी टीम्स को उन्होंने बिल्कुल जो है ना आउट क्लास कर दिया। और ये एक गोल था, लेकिन इसे गोल ने काया, उनका बनता है, उन्होंने लॉस्ट मिलियंस एंड बिलियंस, और बड़े दिल उन्होंने तोड़े हैं, क्योंकि ब्राजील का फैन फॉलोइंग मैंने उस दिन भी कहा था सबसे ज्यादा, बट आई डोंट नो आई हैड अ फील, हालांकि हर चीज के ऊपर जो है जो पुर्तगाल है, पुर्तगाल को जो है वो एज हासिल था मराकेश के ऊपर, लेकिन हमने देखा है कि रोनाल्डो की फैन फॉलोइंग, पुर्तगाल की फैन फॉलोइंग, ब्राजील की फैन फॉलोइंग नहीं बचा सकी उसको, और ये टीम्स बाहर हो गई। चलें जी इस पे हम बात करेंगे आगे जाके, क्रिकेट मैच को भी डिस्कस करना बहुत कुछ है, लेकिन आपको पता है सियासत के बगैर सुबह सुबह हम ना करें, इमरान को तो बहुत मसला होता मैं है, कहता हूं जी बदहजमी हो जाती है, हमसे ज्यादा कॉम को हो जाती है, क्योंकि इस कॉम की वजह से न्यूज चैनल चल रहे हैं, दे वॉच लॉट ऑफ न्यूज, लॉट ऑफ न्यूज। सॉरी गाइस, बड़ी खबर आपको दिखाते हैं। सर्द मौसम है, गर्म आलम है, लेकिन सियासत में गर्मी, सियासी गर्मी है, और वो कम नहीं हो रही है। मुल्क को दरपेश इस वक्त मसाइल बहुत ज्यादा हैं, इनका हल बताने के बजाय इस वक्त एक दूसरे पर इल्जामात लगाने का सिलसिला एज यूजुअल जारी है। हुकूमती इत्तेहाद मुल्क को दरपेश मसाइल का जिम्मेदार तहरीक इंसाफ की सबका हुकूमत को समझता है, जबकि तहरीक इंसाफ ये कहती है कि देखें इन्होंने क्या हाल कर दिया 6 माह में हुकूमत ने आके पाकिस्तान का। दूसरी जानब पाकिस्तान को खुद खुदा न खास्ता इस वक्त डिफॉल्ट का भी खतरा मौजूद है, और कल तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसके मुताबिक उन्होंने कहा जी अगर मुल्क डिफॉल्ट कर जाएगा ये तो भाग जाएंगे मुल्क से, तो जो पाकिस्तान में रहेगा उसका क्या बनेगा। गुज़श्ता रोज़ ही उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वीडियो लिंक के जरिए थी, उन्होंने कहा जी मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है, आप जो मेरी घड़ी की बड़ी है, मेरी ज़ाती घड़ी है, मैं बेचूँ या मर्जी करूँ आपको क्या है। लेकिन इस पर फिर कल कुछ नून लीगी रहनुमाओं ने कहा कि ये घड़ी आपको ज़ाती तौर पर नहीं मिली थी, बतौर वज़ीर आज़म मिली थी, तो आपकी जाति नहीं है, ये उनका जवाब आया। NRO2 इस वक्त उन्होंने कहा जी दिया जा रहा है, और इसकी वजह से एक एक करके जो नवाज शरीफ एंड हिज फैमिली उनके केसेस खत्म किए जा रहे हैं, और पहले तो बड़ा महंगाई का बोलते थे चैनल्स, अब क्यों नहीं बोलते? हमारे दौर में तो माइक लेके पूछते थे कि महंगाई थी, और आज मुल्क में दुगनी महंगाई है, आज क्यों नहीं पूछते? ये मैंने नहीं कहा, इमरान खान साहब ने कहा ये हुकूमत जितनी देर रहेगी मुल्क में मौशी बहरान रहेगा, ये सिर्फ मुझे नाअहल कराना चाहते हैं। दूसरी जानब साबिक वजीर आजम और सीनियर लीगी रहनुमा जो शाहिद खाकान अब्बासी साहब, उन्होंने गुफ्तगू की मीडिया से और कहा कि मुस्लिम लीग नून ने रियासत और सियासत दोनों को बचाने का दोबारा बेड़ा उठाया है,
मुल्क से महंगाई का खात्मा करने के लिए भरपूर कोशिश कर रहे हैं। मुल्क को दोबारा तरक्की की राह पर गामजन करेंगे। मुल्की हालात को ठीक करना किसी एक सियासी जमात की बस की बात नहीं है। तमाम स्टेक होल्डर्स को मुल्क के हालात पर तशवीश होनी चाहिए। मईशत पर हमें यकजा होकर काम करना पड़ेगा। दूसरी जानब और सियासी क्यादत को भी अपने कौमी मफादात का सोचना चाहिए। नैब ने मुल्क को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया, मगर जनाब सियासी जमातों की बयानबाजी अपनी जगह। महंगाई ने आवाम की कमर तोड़ दी है। मुर्गी की बात करें 500 रुपए से भी ज्यादा क्रॉस कर गई है। एक दर्जन अंडों की कीमत 320 रुपए तक पहुंच गई है। कह रही है मैंने लिए थे। अच्छा लिए थे। लहसुन अदरक हर चीज 350 रुपए किलो तक फरोख्त हो रहा है। और इस सारी महंगाई में कौन पिस रहा है, इस सारी सिचुएशन में कौन पिस रहा है? आवाम। और इसका क्या हल है, इस पर हम बात करेंगे। इम्तियाज गुल साहब हमारे साथ मौजूद है। इम्तियाज गुल साहब थैंक यू वेरी मच एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। सर मुल्की हालात तो हम सबके सामने खराब हो रहे हैं। कल हमने देखा कि हुकूमत भी इस बात पे बार बार स्टेटमेंट्स आती हैं जी कि महंगाई कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी जानब इमरान खान साहब ने भी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही कहा कि मुल्क को ये तबाही के दहाने पे लेके जा रहे हैं। मईशत बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है और हमारे जो कौमी मफादात है वो कहीं साइड पे हैं। ज़ाती मफादात हमारे सबके हैं सियासतदानों के। क्या लगता है आपको किस तरफ जा रही है और आने वाला वक्त खतरनाक हो सकता है? देखिए कुछ कोताहींदेशी थी हमारी पीडीएम की जितनी मेंबर पार्टियां हैं और फिर उनके साथ जो सहूलतकार थे उन्होंने एहसास नहीं किया इस साल के शुरू में जब अदम एतमाद का सिलसिला शुरू किया इमरान खान के खिलाफ कि पूरी दुनिया एक शदीद इक्तसादी बहरान का शिकार होने जा रही है। इनको बहुत जल्दी थी हुकूमत में आने की और किसी और को बहुत जल्दी थी इमरान खान के साथ स्कोर सेटल करने उनसे जान छुड़ाने की। तो दोनों ने मिल के एक ऐसे मौके पर हुकूमत की जो ये नाव थी हमारी ये कश्ती थी उसको हिला दिया। जबकि रूस और यूक्रेन का तनाज़ा शुरू हो चुका था उसकी वजह से लाजमी दुनिया भर में क्राइसिस आना था एनर्जी का यानी तेल और गैस का। पहले ही तकरीबन एक साल हो गया था दुनिया भर में रिसेशन या कसाद बाजारी या सर्द बाजारी का सिलसिला शुरू हुआ हुआ था। और फिर हमारी जो सूरत हाल थी उसमें हमने IMF के साथ अभी बातचीत करनी थी मजीद कर्जे के लिए और वो जो 4-5 महीने थे गड़बड़ के 8 मार्च को मेरा ख्याल एतमाद का वोट हुआ, 9 अप्रैल को फिर हुकूमत बनी, उससे फिर अगला महीना भी यानी 3 महीने हमने गंवाए इकोनॉमिक मैनेजमेंट के इंतहाई बुरे हालात। उसका नतीजा क्या हुआ कि 2019 में कुछ 6.5 अरब डॉलर के मुबादला के ज़खायर थे वो सारे हमारे थे, उसमें कर्जे का एक पैसा नहीं। 2022 दिसंबर में जो 6.5 अरब डॉलर इस वक्त अभी बच गए हमारे पास सर वादा के जखायर, ये एक एक पैसा बैरूनी कर्जे का है और इसकी वाहिद और वाहिद जिम्मेदारी उन तमाम लोगों की है जो कि अदम एतमाद की तहरीक में शामिल थे जिनको बहुत जल्दी थी हुकूमत में आने की। हालांकि इमरान खान हुकूमत खुद ही उस वक्त मुश्किल में आ रही थी तो इनको चाहिए था कि कुछ इंतज़ार करते। अब ये अपनी बेवकूफ़ी कि इन्होंने वो भुगत रहे हैं और उसका खुमियाजा बड़ा खुमियाजा गरीब आवाम भुगत रहे हैं। लिहाजा जो बात आती है ना कि एक अकेली जमात कुछ नहीं कर सकती, बिलाशुबा अकेली जमात मौजूदा सूरत हाल का इलाज उसके पास नहीं है, इसलिए कि तमाम जमातों को इत्तेफाक करना होगा कि हमने FBR के निज़ाम को टोटली रेवोल्यूशनाइज करना है, इनकलाबी अंदाज में उसको तब्दील करना है। तमाम जमातों को इस अमर का फैसला करना है कि जो पब्लिक प्रोक्योरमेंट निज़ाम है यानी सरकारी टेंडर्स और जो खरीदारियां हैं इनका निज़ाम भी हमने मुकम्मल तौर पे तब्दील करना है, उसके बाद ही कहीं जाके पाकिस्तान के हालात में बेहतरी आएगी क्योंकि पाकिस्तान की रियासत की आमदनी में इजाफा होगा और वो आमदनी फिर मुनासिब तरीके से खर्च भी हो सके। सही अरे ये तो ये बहुत मुश्किल सूरत हाल है, इसके लिए तमाम जमात अच्छा, ये जो कहते हैं ना कि जी मैं सॉरी बात पूरी कर लूं, जो बार बार कहते हैं ना कि हम अकेले नहीं कर सकेंगे, इसके लिए वो अमली इकदाम करने पड़ेंगे। ये वो घड़ी केस लेके बैठ गए हैं, बिल्कुल फरूई मसाइल में फंसे हुए हैं और उनको कुछ मिला नहीं है तो इमरान की घड़ियों के पीछे पड़ गए हैं। तो बहुत ही मैं समझता हूँ घटिया एक माइंड सेट है जो इस वक्त पाकिस्तान में रूल कर रहा है और जिसकी वजह से पाकिस्तान के मसाइल
गंभीरतर होते चले जा रहे हैं। सही है, सही है। अच्छा गुल साहब, पॉलिटिकल हिकमत अमली की अगर हम बात करें, इमरान खान साहब ने अपने मार्च के इख्तिताम पर पिंडी में ऐलान किया था कि मुझे सिस्टम का हिस्सा नहीं रहना, हम असम्बलियाँ, सभी असम्बलियाँ तोड़कर इस सिस्टम से बाहर आ रहे हैं, हमने ये फैसला किया है। और इस ऐलान के बाद फिर बहुत बड़ी खबर भी बनी कि मास्टर स्ट्रोक है इमरान खान का जो उन्होंने खेला है, और हुकूमत को बैकफुट पे जाना पड़ेगा, उनको सोचना पड़ेगा। उसके बाद अब हुकूमत और हुकूमती बुजरा मुसलसल अपने बयान में कह रहे हैं कि तोड़े ना, तोड़ क्यों नहीं रहे, तोड़े असम्बलियाँ, इमरान खान साहब नहीं तोड़ रहे। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा जब हमारी मुशावरत मुकम्मल हो जाएगी तो मैं ये कर दूंगा। और हमें मालूम है कि इमरान खान साहब रूहे रवां हैं पार्टी के, वो चीज़ें, वो इनिशिएटिव्स खुद लेते हैं। तो क्या अमर माने हैं ऐसा, क्या इमरान खान साहब ऐलान करके उनको ये पता लग गया है कि नहीं ये ठीक नहीं है अभी करना, या फिर वो वक्त ले रहे हैं? आपको क्या लगता है इमरान खान क्यों नहीं तोड़ रहे असम्बलियाँ? देखिए, इमरान खान के सामने एक शतरंज की बिसात है, वो एक मूव खेलते हैं तो पूरी हुकूमत के हाथ पांव फूल जाते हैं। फिर वो जो कोई हिकमत अमली के साथ आती है हुकूमत या उनकी मुखालिफ जमातें, ये कोई नई चाल खेल लेते हैं। पहले असम्बली तोड़ना चाह रहे थे, अब कहते नहीं, अब हम मुशावरत पे, हुकूमत तो मुश्किल में पड़ी हुई है क्योंकि वो, और क्यों पड़ी हुई है, उसकी वजह से हमारे सियासी निज़ाम मुस्तहकम नहीं हो रहा, बेयकीनी बहुत छाई हुई है। तो इसकी चाबी तमाम तर सूरत हाल की काफ़ी हद तक इमरान खान के हाथ में, आप उसको जो मर्जी कह लें, उन्होंने बहुत सारी गलतियां भी की हैं माजी में भी, इस वक्त भी कर रहे हैं, लेकिन एक जो इशू जिस पे वो मुसलसल इसरार कर रहे हैं कि आप जल्दी इलेक्शन करवा दें तो काफ़ी सारी ये जो बेयकीनी खत्म हो जाएगी। और मैं आपको बता दूँ, इस हमारे जो करीबी दोस्त ममालिक हैं उनमें चीन सर फहरिस्त है, सऊदी अरब भी है, उन तमाम की शदीद ख्वाहिश है उन्होंने मजीद इमदाद को भी इलेक्शन टाइम लाइन से, अब मुझे जो मालूम है वो उसके साथ मशरूत कर दिया है कि जब तक आप इंतखाबात की तरफ नहीं जाते, हमें क्या मालूम कि शहबाज शरीफ कल वजीर आजम होंगे या कोई और वजीर आजम, और कितने अरसे तक होगा। तो बाइज्जत तरीका तमाम लोगों को ये है कि इस मौके पे इलेक्शन का टाइम लाइन दे दें, और उसके बाद इंतज़ार करें नई हुकूमत, और नई हुकूमत फिर तमाम मुल्कों के साथ अपने ताल्लुकात उस्तवार करे, वहाँ से इमदाद भी हासिल करे। उसके बगैर ये ऊंट किसी करवट नहीं बैठने वाला। ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हमें नियर फ्यूचर में तो नजर नहीं आ रही। इम्तियाज़ुल साहब, आप इंतखाबात की बात कर रहे हैं, ऑब्वियसली इमरान खान साहब की डिमांड भी यही थी, लॉन्ग मार्च किया, अपने मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, अपने मुख्तलिफ जलसों में वो यही बात करते रहे कि इंतखाबात करा दें, हम ये मुल्क, हम हमारे लिए एक लाइन सेट हो जाएगी। आपको लगता है आपके इमरान खान साहब का ये जो आम इंतखाबात वाला मामला है इलेक्शन कराने का, इससे आप ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी? और दूसरी जानब, हुकूमत क्यों इतनी हमें रिलक्टेंट नज़र आ रही है? अगर हुकूमत को भी ये नज़र आ रहा है कि मईशियत जो है वो इतनी शदीद मुश्किल का शिकार है, तो मान ले खान साहब की बात और करा ले इलेक्शन पे। जी, मैं भी ख्वाहिश मेरी भी यही है, मैं शहबाज शरीफ साहब को रिक्वेस्ट भेजता हूँ। नहीं, हमारी रिक्वेस्ट पे तो शायद इम्तियाज़ गुल साहब कुछ ना हो। नहीं, वो देखिए, तो उनको खुद सोचना चाहिए ना। देखिए, इतने मुश्किल इक्तसादी हालात में आपने देखा कि 4 दिसंबर को ये इस्लामाबाद का जो आइकॉनिक सेंटोरस मॉल है, ये इन्होंने आनन फानन बंद कर दी, क्योंकि वज़ीर आज़म के साथ, आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म ने कोई बहस मुबाइसा कर लिया था एक पब्लिक मीटिंग में। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि वहाँ पे 236 ब्रांड्स हैं, उसमें इंटरनेशनल ब्रांड भी शामिल हैं, और 3000 लोग उस मॉल में काम करते हैं। तो इन्होंने सिर्फ अपने ज़ाती गुस्से की वजह से, चूँकि PTI का है वो वज़ीर आज़म और वो मालिक है सेंटोरस मॉल का, लिहाजा उन्होंने रातों रात 120 के करीब उन्होंने अहलकार भेज दिए, FC रेंजर्स पता नहीं क्या, और मॉल सील कर दिया। तो जहाँ पे हुक्मरान इतने कोता अंदेश हों, जिन्हें एहसास ना हो कि वो बिजनेस की दुनिया को मैसेज क्या दें, यानी मसला इनका सरदार तनवीर इलियास के साथ है, लेकिन सजा उन्होंने दे दी उन डेली वेज वर्कर्स को, 236 दुकानदारों को या बिजनेसेस को, जिनमें से आधे से ज़्यादा इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं। तो मुल्क तरह नहीं चला करते, मुल्क बर्बादी से चलते हैं, मुल्क का कई मरतबा आपको स्ट्रेटेजिक रिट्रीट भी करनी पड़ती है, थोड़ा सा पीछे हटना पड़ता है। वो इमरान खान को भी चाहिए थोड़ा सा हटे, लेकिन उनका तो फिलहाल एक ही एक नुकाती एजेंडा है कि आप इलेक्शन करवा दें। और मेरा अपना ख्याल है, जो मैंने आपसे कहा कि दोस्त ममालिक की भी ख्वाहिश है कि जल्द अज जल्द इलेक्शन हो, ठीक है, और फिर
हुकूमत के साथ बातचीत हो सके। ठीक है, हमारी सरहद के ऊपर चमन बॉर्डर के ऊपर कल भी एक नाखुशगवार वाकया पेश है। मैं थोड़ा सा मौजू तब्दील करना चाहूँगा, जिसमें हमारे 6 शहरी शहीद हुए और 20 जख्मी होने की भी इतलात है। फिर पाक फौज ने उसको रिस्पॉन्ड किया और बॉर्डर की उस तरफ भी इतलात आई कि नुकसान हुआ है। एक तो इस वाक़े को आप कैसी किस निगाह से देखते हैं पाकिस्तान अफगानिस्तान ताल्लुकात के तनाजुर में, और दूसरा ये कि पाकिस्तान ने जिस तरीके से अफगानिस्तान में पीस कीपिंग के लिए अपना रोल प्ले किया और फिर उसके बाद भी जिस तरह का रोल पाकिस्तान ने प्ले करने की कोशिश की उसके बावजूद इस तरह के वाकयात हो जाना, इसको क्या हम सिफारती सतह पे कहीं अपनी कमज़ोरी कहेंगे या जो हमारा पड़ोसी मुल्क है उसकी कोई कहना चाहिए कि किसी दुश्मन के हाथों में उसका खेलना कहेंगे, इसको इसको कैसे देख रहे हैं आप सूरत हाल को? देखिए, अब सिफारतकार तो काबुल में बैठे होते हैं, हमें ये तसव्वुर या तसव्वुर नहीं कर लेना चाहिए कि जो एक फौजी खड़ा है चमन बॉर्डर पे या तोरखम बॉर्डर पे वो भी उतने ही गैर जज्बाती अंदाज में तदब्बुर के साथ मामलात को डील करेगा जैसे कि वजारत खारजा में अफसरान करते हैं। ये वाकयात होते रहेंगे। 14 नवंबर को भी एक वाकया हुआ था जिसमें एक अफगान तालिबान के एक फुट सोल्जर है, उसने हमारे एक गार्ड को, एफसी का गार्ड था उस बेचारे को, उधर ही मौके पर शहीद कर दिया और बाद में उसने पैगाम भी भेजा कि हम तो अब इस पाकिस्तान की फौज के खिलाफ अभी जिहाद शुरू करेंगे। जाहिर है उसने अपने जो पैगाम देना था दे दिया, लेकिन तालिबान ने भी उसको पाकिस्तान के हवाले नहीं किया, अगर जी हम उसके खिलाफ एक्शन लेंगे, लेकिन उन्होंने उसको पनाह दे दी। उसके बाद आपको मालूम है 7 दिन तक वहाँ पे चमन बॉर्डर बंद रहा जी। और मुश्किलात ट्रेडर्स को होती हैं, मुश्किलात आम लोगों को होती हैं, तो अभी एक बार फिर वही होगा। जो कुछ इतनी शदीद ये गोलाबारी हुई है, 7-8 बंदे हमारे शहीद हो गए हैं, तो इसमें उनके नज़दीक कोई उसकी वजह होगी, लेकिन उस वजह का ये नहीं होता है कि आप फायरिंग खोल दें। तो उसमें पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल सूरत हाल है। पाकिस्तान के जो दुश्मन है बाहर के, उन्होंने भी इस सूरत हाल से बहुत अच्छे तरीके से फ़ायदा उठाया हुआ है और वक्तन फवक्तन ऐसे लोगों को वो आगे कर देते हैं कि ठा ठा करें और फिर ताल्लुकात ख़राब हो जाएँ। हालाँकि पाकिस्तान ने जितनी कोशिशें कर सकता था किया, अब पाकिस्तान को मेरा ख्याल है कि थोड़ी सी अपनी पॉलिसी पे नजरसानी करनी। और बुखसरन गुल साहब, यो सरहद पे ऐसे वाकयात का जवाब दिया जा रहा है, क्या वो काफ़ी है या इसके लिए हमें मजीद भी कोशिशें तेज करना होंगी? जो कि आपको मालूम है रिसेंटली नाजमुल उमूर पाकिस्तान के, उनको निशाना बनाया गया जो कि बहुत बहुत ज़्यादा अलार्मिंग है, तो इस पर भी ज़रा कॉमेंट कर दीजिएगा लास्ट 30 सेकेंड। जी जी, वो उसमें देखें, वो तो TTP और दाइश वगैरह उन्होंने उसको क्लेम किया है, ये वो लोग हैं, ये प्रॉक्सी टेररिस्ट हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ सरगर्म रहेंगे जब तक भारत के साथ हमारे ताल्लुकात ठीक नहीं होंगे। मेरा अपना ये ख्याल है कि हमारे ताल्लुकात उस वक्त तक यूं ही कशीदा रहेंगे, वक्तन फवक्तन लोगों को मारते रहेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है गुल साहब, थैंक यू वेरी मच जी बहुत आपके एनालिसिस के लिए। मुख्तलिफ मौजूदात सियासत और जो हमारी सरहदी सूरत हाल है इस वक्त मगरबी सरहद के ऊपर, उस पर भी हम बात कर रहे थे, कुछ खास ठीक नहीं है, इस पर हम बात करते रहेंगे। तभी आपने सुना, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक, बात करते हैं अब कुछ क्रिकेट की इन डिटेल्स। मुल्तान टेस्ट दिलचस्प मरहले में दाखिल हो गया है। पाकिस्तान को, जैसा कि हमने आपको शुरू में बताया, मजीद 157 रन और इंग्लैंड को 6 विकेटें दरकार हैं। 355 रन के हदफ का ताकुब है। पाकिस्तान दौड़ रहा है लेकिन सांस फूल रहा है। गुज़िश्ता खेल के इख्तिताम तक पाकिस्तान ने 4 विकेटें गंवाई थी, 198 रन बनाए थे। सऊद शकील 54 रन बनाकर कुछ मजामत करते नजर आए। फहीम अशरफ 3 रन बनाकर इस वक्त क्रीज पर उनके साथ मौजूद हैं। उधर अगर हम मुल्तान टेस्ट में डेब्यू करने वाले अबरार की बात करें तो ही इज अनदर अबरार जो कि बहुत ज्यादा मशहूर हो गए हैं अबरार उल हक के बाद एकदम से, और वो हैं अबरार स्पिनर जिन्होंने 11 विकेटें अपने नाम की हैं। पहली इनिंग्स में 7, दूसरी इनिंग में 4 खिलाड़ियों को आउट किया और जाहिद साहब का रिकॉर्ड भी बराबर कर लिया डेब्यू पे 11 विकेटें लेने का। बिल्कुल, और इबरार अहमद जो हीरो बने हुए आजकल, उनसे भी हम उनके बारे में भी बात करेंगे और मुल्तान टेस्ट जो ये जिस मरहले में पहुंचा है इसमें क्या चांसेस है इस पर भी बात करेंगे, और साथ साथ एक वीडियो है इमरान बाबर आजम की, ये आप वीडियो देख सकते हैं। इट्स अ पिक्चर एक्चुअली, ये पिक्चर इससे पहले, हाँ सॉरी, ये पहले वाली, हाँ ये पहली पिक्चर का पार्ट टू है, दिस इज द पार्ट वन। जब एक पिक्चर एरास्मोस जो साउथ अफ्रीकन 58 साल अंपायर हैं और ICC के लीड पैनल में भी शामिल हैं, अंपायरिंग करते पाकिस्तान में नजर आ रहे हैं, उनके साथ बाबर की खड़े पिक्चर वायरल हुई है लिटरली एट फर्स्ट लुक के इट्स बाबर आजम, और मुझे लगा कि कहीं बाबर में सरफराज की रूह तो नहीं आ गई जो 6-7-5 साल पहले सरफराज थे, लेकिन उसके बाद पता चला कि ये एक इत्तेफाक था। कल
फिर बाबर कल बाबर आजम ने फिर इसको पूरी एक शक्ल दी और उन्होंने दोबारा से पिक्चर खिंचवाई, लेकिन उसमें उन्होंने क्लियर किया कि ये वो खुद नहीं है, ये वो एम्पायर है। सो लिहाजा ने सोचा ऑन इंटरेस्टिंग नोट आपके साथ शेयर की जाए। वैसे इमेजिन इफ बाबर हैज अ टमी लाइक दिस, पाकिस्तान के लिए कोई चंबे की बात नहीं, ऐसे प्लेयर्स आते रहते हैं, पहले भी नहीं है मतलब, लेकिन इमेजिन इफ बाबर जैसा फिट आदमी। जी बात करते हैं मिर्जा इकबाल बेग से, हमारे साथ मौजूद है मिर्जा साहब, वेरी गुड मॉर्निंग, बहुत दिनों बाद आपने हमें शो में ज्वाइन किया है, कैसे हैं आप, खैरियत से? बहुत बहुत शुक्रिया अरमला, आपको भी और इमरान को भी, दोनों को सब बखैर, और इमरान को जिंदगी के नए सफर की भी मुबारकबाद आपने पहले दे दी होगी। मैंने काफी दिनों बाद ज्वाइन किया है, लेकिन आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू मिर्जा साहब। ये जो मुल्तान टेस्ट है बड़े इंटरेस्टिंग मरहले में आ गया, इमरान ने सुबह सुबह ना ये कहा कि मुझे कोई खास उम्मीद नहीं है, सो आप बताए आपको कुछ अच्छी उम्मीदें हैं पाकिस्तानी टीम से? देखिए मैं पहले भी कहता आ रहा हूँ कि ये पाकिस्तान की वो क्रिकेट टीम है जो कभी खुशी कभी गम देती है, कभी तो अचानक इतनी अच्छी कारकर्दगी पेश कर देती है कि यकीन नहीं आता, और कभी ऐसे कलेप्स होती है। आप देखें पहली इनिंग्स में 142 for 2 से लेकर 60 रन पर 8 विकेट गिर गई थी पाकिस्तान की पहली इनिंग्स में जी। और इस मरतबा भी अब 157 रन की जरूरत है। इसके बाद जो है वो एक आखिरी रिकग्नाइज बैट्समैन सलमान आगा बैटिंग के लिए आएंगे, लेकिन बजाहिर बहुत मुश्किल नजर आता है इमरान। ये पहला सेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर इस सेशन में जिस तरीके से सऊद शकील खेल ले, अगर वो सरवाइव कर जाते हैं इस सेशन में, कोई विकेट नहीं गिरती, तो फिर यकीनन पाकिस्तान के चांसेस होंगे। लेकिन रावलपिंडी टेस्ट की एग्जांपल हमारे सामने, आखिरी सेशन में 86 रन दरकार थे, 5 विकेटें बाकी थी पाकिस्तान की, और अजहर अली जैसा तजुर्बाकार बैट्समैन क्रीज पर मौजूद था, और पाकिस्तान की विकेटें जो थी वो खिजां के पत्तों की तरह बिखर कर गिरने लगी। तो मुझे भी लग रहा है कि अगर यहाँ पर पाकिस्तान की टीम अगर पहला सेशन गुजार देती है तो इम्कानात हो जाएंगे। मैच अभी इवनली पॉइज्ड है, लेकिन अगर देखा जाए तो इंग्लैंड का पल्ला जो है वो भारी है। एक वैसे दिसंबर चल रहा है, इस्लामाबाद में वैसे ही पत्ते गिर रहे हैं दरख्तों से, ऊपर से आपके ये जुमले कि खिजां के पत्तों की तरह हमारी विकेटें, तो क्या बात है मेरे साहब। अच्छा ऐसा नहीं लगता आपको कि फॉर्मूला क्रिकेट हो रही है दोनों तरफ से? इंग्लैंड का फॉर्मूला, पहले आओ चाहे विकेटें जाती हैं जाए, तेज एक टोटल सेट करके निकल जाओ, और फिर सेकेंड इनिंग्स के अंदर उनको बिल्कुल पिंडी टेस्ट की तरह 70-80 रन की लीड, और फिर पाकिस्तान को रिस्ट्रिक्ट कर देना 225-250 रन के ऊपर। तो क्या पाकिस्तान ने पहले टेस्ट से कुछ नहीं सीखा पिंडी टेस्ट से मेरे साथ? हमें यही तो दुख होता है, इसी बात का तो गिला है कि हम बजाय कुछ सीखने के उल्टे ही करते हैं। आप देखें जब से ब्रेंडन मैकेलम आए मान, उनकी जो प्ले है फियरलेस क्रिकेट खेल रहे हैं इंग्लैंड की टीम, और गुज़िश्ता 8 में से 7 टेस्ट मैचेस इंग्लिश टीम जीती है, और इंग्लिश टीम का जो गुज़िश्ता 8 टेस्ट मैचेस में जो उनका नेट रन रेट है, जो हर ओवर का रन रेट, वो 5.4 का है टेस्ट क्रिकेट में, जो बहुत ज्यादा समझा जाता है कि आप जिस तरीके से अग्रेशन शो करेंगे, अटैक करेंगे, और वो इसी तरह की क्रिकेट खेल रहे हैं, उन्हें अपनी परवाह नहीं कि विकेटें गवा दे। कल हम समझ रहे थे कि शायद वो तीसरे दिन आखिर तक बैटिंग करेंगे, लेकिन उन्होंने विकेटें गवा दी, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो उन्हें खौफ नहीं, उन्हें डर नहीं है, वो जीतना चाहते हैं। और हमारी टीम के जहन पर खौफ है, शिकस्त का डर है कि अगर हम हार ना जाए, 3 रन फी ओवर का रन औसत हम लेकर चलते हैं, और हमारे बैट्समैन ऐसा लगता है कि अपनी जगह बनाने के लिए खेल रहे हैं कि हम पक्के हो जाएं, बाकी हमारे रन्स हो जाएं, बाकी कुछ भी हो जाए। आप इंग्लैंड के बैट्समैनों को देखें जिस तरीके से वो आउट हुए, उनको कोई डर ही नहीं था कि उनकी परफॉर्मेंस क्या होगी, लेकिन उनका एक माइंड सेट है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान को भी अपने माइंड सेट को चेंज करना पड़ेगा। पाकिस्तान को भी माइंड सेट को चेंज करना पड़ेगा। अच्छा जी मिर्जा साहब, ये जो इब्रार अहमद है, इन्होंने बड़ी कड़ी कल बल्कि इस मैच के अंदर बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी, 11 विकेटें ली, जायद साहब का भी रिकॉर्ड तोड़ा। अब इनका जो फ्यूचर है वो आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि हम नॉर्मली अपने प्लेयर्स को एक मैच की वजह से जज करते हैं। आप फ्यूचर तो पूछेंगे लेकिन मिर्जा साहब हैं, पहले इनका माजी तो पूछ लें और इनके शहर के लिए फ्यूचर बताएंगे मिर्जा साहब। बिल्कुल मैं इनका माजी बताता हूँ। इनके वालिद जो है वो शंकियारी से मानसेरा के आगे एक जगह है, वहां से कराची आए, कराची सेटल हो गए, कराची का एक इलाका है जहांगीर रोड, ये वहां पर रहते हैं और इनके वालिद ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, और ये वही जहांगीर रोड है जहां ग्रेट एशियन बैटमैन जहीर अब्बास इब्तदाई दिनों में रहा करते थे, ये वही जहांगीर रोड है जहां नसीमुल गनी रहा करते थे, बड़ा मशहूर था क्रिकेट के हवाले से, और वहां का एक क्लब भी था जहांगीर वेस्ट क्रिकेट क्लब, जो कराची के टॉप के क्लब में
शुमार होता था। अबरार अहमद कराची में पैदा हुए और फिर उन्हें क्रिकेट का शौक जब हुआ तो उनको किसी ने मशवरा दिया कि तुम राशिद लतीफ क्रिकेट एकेडमी चले जाओ जो कराची के इलाके फेडरल बीर या गुलबर्ग में, वो वहां चले गए। वहां उनको राशिद लतीफ और उनके असिस्टेंट सरवत अली जो फर्स्ट क्लास क्रिकेटर है उन्होंने उनको देखा, उनको गाइड किया और फिर उसके बाद सरफराज अहमद ने भी उनको बड़ा एनकरेज किया। कराची का एक क्लब है लाइंस एरिया जिमखाना, ये वहां से क्रिकेट खेलते हैं। दो साल हुए इन्हें अपना फर्स्ट क्लास क्रिकेट करियर शुरू किए हुए, 14 फर्स्ट क्लास मैचेस में 76 विकेट ले चुके हैं। पीएसएल में अगरचे ये शामिल तो हो गए थे लेकिन इनको कमर में स्ट्रेस फ्रैक्चर हो गया था जिसकी वजह से ये कंटिन्यू नहीं कर सके। लेकिन अब मोहम्मद जाहिद जो फास्ट बॉलर थे, और दिलचस्प बात यह उनको भी कमर का फ्रैक्चर हुआ, स्ट्रेस फ्रैक्चर हुआ था। उन्होंने 1996 में न्यूजीलैंड के खिलाफ रावलपिंडी टेस्ट में 11 विकेट ली थी। तो पाकिस्तान के 252 टेस्ट क्रिकेटर्स में से अबरार अहमद मोहम्मद जाहिद के बाद दूसरे क्रिकेटर हैं जिन्होंने अपने डेब्यू टेस्ट में 11 विकेट। ब्रिलियंट 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 रिजल्ट, क्या बात है। क्या बात है, बहुत जबरदस्त मिर्ज़ा साहब। अच्छा ये एक इसके साथ ये भी बता दें कि ये जो डेली ग्लासेस हैं इनका भी कोई फैक्टर है। वी रिमेंबर डेनियल विटोरी न्यूजीलैंड के, वो और फिर अबरार भी, तो ये क्या कोई लक फैक्टर में इजाफा तो नहीं करती टू टेक 11 विकेट्स इन फर्स्ट मैच, कुछ ऐसा है? नहीं ऐसा तो नहीं है, लेकिन ये कि आपको याद होगा नरेंद्रा हिरवानी एक भारत के लेग स्पिनर आए थे, उन्होंने भी वो भी ग्लासेस लगाते थे, पहले टेस्ट में कोई 11 से भी ज्यादा विकेट ली थी और फिर बाद में, हाँ सही बता रहा हूँ, क्योंकि उसमें ये होता है कि मतलब ये फैक्ट है, इसको मिला नहीं सकते हम कि ये लकी फैक्टर है। लेकिन फिर भी एक दिलीप दोषी होते थे जो जावेद मियांदाद जिनसे पूछ रहे थे तेरा रूम नंबर का है, वो भी चश्मा लगाकर बॉलिंग करते थे, लेफ्ट आर्म स्पिनर थे। डेनियल विटोरी चश्मा लगाकर, फिर जब इब्तदाई दिनों में सौरभ गंगोली आए तो वो भी चश्मा लगाते थे, बाद में उन्होंने कॉन्टेक्ट लेंसेज लगाना शुरू कर दिए। तो बाज लोग अपनी कंफर्ट के लिए बाज क्रिकेटर्स लगाते हैं कॉन्टेक्ट लेंसेज, लेकिन अबरार की जो है यही पहचान है कि वो चश्मा लगाकर बॉलिंग करते हैं और अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। अबरार मिस्ट्री स्पिनर है, आपको याद होगा इमरान एक अजंता मेंडिस आए थे श्रीलंका के, जो इजाजी कर्नल है श्रीलंका की फौज में, जी जी जी। तो वो जब आए थे तो वो भी इसी तरह की मिस्ट्री कैरम बॉल किया करते थे और अबरार भी इसी तरह की बॉलिंग करते। नहीं, बहुत जबरदस्त फाइंड है, अल्लाह करे कि ऐसे ही कंसिस्टेंट रहे और वक्त के साथ ऑब्वियसली जब बड़े प्लेयर्स को खेलेंगे और तजर्बा इनको होगा तो बेहतर होंगे। ये इस वक्त कुछ लाइव मनाजिर भी मेरे साहब हम दिखा रहे हैं अपने देखने वाले, मुल्तान के अंदर ये मैच हो रहा है और ये हमारे दोनों बैटर्स जो है ये इस वक्त हमें क्रीज पे आते नजर आते हैं। आज बहुत बड़ा इम्तहान है हमारे इन दोनों बैट्समैन का, चूंकि इससे पहले मिर्जा साहब भी जैसा कि कह रहे थे कि पहला सेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट और उमूमी तौर पे होता ही है कि जो पेसर्स होते हैं या जो बॉलिंग अटैक होता है वो पहले सेशन के अंदर विकेट्स लेने की कोशिश करता है और आई थिंक एक या एक आध विकेट अगर और गिरती है तो पाकिस्तान के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मिर्ज़ साहब व्हाट डू यू से, मैच शुरू होने वाला है इस वक्त? बिल्कुल आपने सही कहा, आप देखें कल इन्होंने सलमान अली आगा को रोक लिया था जो कि रिकॉग्नाइज्ड बैट्समैन है और उनके बजाय फहीम अशरफ को, जब इमामुल हक की विकेट गिरी तो फहीम अशरफ को भेजा, ठीक है। तो अब अगर उनको गेट उनका खुल गया, अगर फहीम अशरफ जल्दी आउट होते और सलमान अली आगा, इसके बाद आपके पास सारी टेल है जिसमें इब्रार अहमद है, जिसमें आपके वो है मोहम्मद अली है। टाइम हमारा खत्म हो गया, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया, इंशाल्लाह आपसे गुफ्तगू होती और इंटरेस्टिंगली बहुत जबरदस्त फैक्ट्स आपने बताए। क्रिकेट इस वक्त जारी है, क्रिकेट भी देखिए हमें भी देखिए, ब्रेक भी लीजिए वापस। वेलकम बैक, बात करते हैं हम पाकिस्तानी खवातीन के हवाले से, तो अक्सर जिक्र होता ही रहता है और ऐसी खवातीन जो कि कहीं ना कहीं अपनी सलाहियतों को बेहतर तौर पे मनवाती हैं, अपनी स्किल्स सामने लाती हैं, हमारी कोशिश होती है कि हम उनको लाजमी हाईलाइट करें। आज हमारे साथ एक बैरिस्टर साहब मौजूद हैं, ज़ारा व्यानी इनका नाम है, जो कि लिंकन जिन की जो नुमाइंदगान की कमेटी है उसके रुकन मुंतखब होने वाली पहली पाकिस्तानी लॉयर हैं। ये बहुत बड़ा एजाज़ है, 4 साल तक इनकी जो स्टडीज़ हैं वो भी यहीं से हुई हैं और इसके मजमूई तौर पर इससे पहले इनकी स्टडीज़ यहीं से हुई हैं और 4 साल तक अभी इस बॉडी का हिस्सा रहने वाली हैं। इस कमेटी के अरकान ज़्यादातर बेंच और मुख्तलिफ कमेटीज़ के अंदर बैठते हैं, इदारे की इमलाक के इंतज़ाम मालियात और जो सरमायाकारी है इसके साथ साथ तालीम है, दाखिले हैं, स्कॉलरशिप्स हैं, इस जैसे मसाइल में भी अपनी राय का इजहार करते रहते हैं। सो चूंकि इट्स अ ग्रेट ऑनर, इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर अ लॉयर, फॉर अ लॉ एक्सपर्ट टू बी अ पार्ट ऑफ लिंकन्स इन, तो हम इनसे ज़रा बात करते हैं और ज़रूर कोशिश करते हैं इनसे जाने कि इनका ये सफ़र कैसा रहा। इस वक्त हमारे साथ ज़ारा मौजूद है। बिल्कुल, बैरिस्टर ज़ारा व्यानी हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ारा सबसे पहले तो वी वॉन्ट टू कॉन्ग्रेचुलेट यू, बहुत बहुत मुबारकबाद इतनी ज़बरदस्त अचीवमेंट के लिए। टेल अस अबाउट योर जर्नी, कैसा रहा ये जर्नी अब तक और अब आपको कैसा लग रहा है इस लिंकन कमेटी का मेंबर बन के? Assalamualaikum, thank you so much for having me on the show.
थैंक यू. Lost the connection with Zara. दोबारा कर जी ज़ारा, आपको आवाज आ रही है तो प्लीज कंटिन्यू कीजिएगा और स्टार्ट से कीजिएगा. आवाज आ रही जी. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो. देखिए फॉर लिंकन ज़िन इट्स अ वेरी बिग थिंग बिकॉज़ देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल वर्किंग फॉर पाकिस्तान ट्राइंग टू रिप्रेजेंट पाकिस्तान इज समथिंग दैट आई हैव ऑलवेज वांटेड टू डू. एंड एक मुझे मौका मिला और उससे पहले भी मैंने ट्राई किया हर वक्त के हर सतह पर पाकिस्तान का नाम बढ़ाने के लिए. और अब चार साल होंगे इंशाल्लाह जो आई विल ट्राई कि जैसे स्कॉलरशिप्स हो गई जिना स्कॉलरशिप हो गई जैसे दूसरी जैसे प्रिविलेजेस हो गई टू ट्राई एंड प्रमोट पाकिस्तान एज मच एज आई कैन बैनुल अक्वामी सतह पर. आप जैसी खवातीन तो बड़ी इंस्पिरेशनल हैं. ऐसे ऐसी सोसाइटी में जहाँ पे एक लड़की आम तालीम भी हासिल नहीं कर पाती फिर कुछ बनना प्रोफेशनल लाइफ में आना एक अचीवमेंट होती है और फिर इतने बड़े इदारे लिंकन जिन से उसका उसका लिंक हो जाना क्योंकि लॉयर्स की बहुत बड़ी तादाद है खवातीन तो बहुत ज़्यादा तादाद में लॉ पढ़ती हैं लेकिन इतने बड़े मकाम पर पहुँचना तो वट वॉज दो स्किल्स या ऐसे ऐसा कौन सा एज था आपके करियर के अंदर जो आपको इस जानिब लेके गया है और आपको मुमताज़ किया है अपने करियर में. तो मैं पाकिस्तान में अब 11 साल से ज्यादा काम कर रही हूँ और अब मेरी एक लॉ फर्म भी है जो ज़ारा इस्माइलानी एसोसिएट्स के नाम से है. हम ना सिर्फ फैमिली लॉ करते हैं बट हम लेबर लॉ करते हैं प्रॉपर्टी लॉ बैंकिंग एक्सेट्रा. तो हमारी काफ़ी वाइड वैरायटी है ऑफ एरियाज ऑफ लॉ. उसके अलावा आई हैव अ टीम ऑफ 10 पीपल तो मैं जो हमारे फ्रेश ग्रेड्स हैं उनको भी मौका देने की कोशिश करती हूँ इंटर्न्स भी रखती हूँ अपार्ट फ्रॉम द एसोसिएट्स ताकि मे बी आई कैन गिव बैक टू यू नो द स्टूडेंट्स आल्सो. कि और सिर्फ खवातीन नहीं बट हर किस्म की माइनॉरिटीज भी यू नो मेल एंड फीमेल बोथ ना कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दे सकूं अपनी फर्म में. उसके अलावा मैं चाइल्ड अब्यूज मैं प्रोविंशियल चाइल्ड अब्यूज कमेटी की भी एक हिस्सेदार थी. आई वाज अ मेंबर बिटवीन 2020 एंड 2021. मैंने एक आर्टिकल भी लिखा है जर्नल आर्टिकल ऑन एलिमनी राइट्स ऑफ वुमेन. उसके अलावा इनहेरिटेंस लॉज हो गए उसकी एक केस लॉ की बुक मैंने कंपाइल की हुई है जिसमें इनहेरिटेंस लॉज हैं वुमेन की अदरवाइज यू नो कस्टडी केसेस फैमिली केसेस मेंटेनेंस केसेस एज वेल एज ट्रांसजेंडर पर्सन्स की जो भी लॉज और जो एक्ट्स के तहत जो भी केसेस हैं वो सारी इस बुक में आपको मिलेंगे. तो आई हैव डन थिंग्स लाइक दैट. उसके अलावा मैं प्रोबोनो काम भी काफी करती हूँ. सो आई डू 2 प्रोबोनो केसेस अ मंथ. मैं कोशिश करती हूँ कि मैं you know it's my way of giving back to society. aap agar apne fun ke sath ko istemal karke kisi ki madad kar sake usse koi behtar cheez mere nazar mein nahi ho sakti. brilliant brilliant so, acha zara ye bhi hum jayenge obviously aapne mukhtalif issues ko aap keh rahi hain ki aapne apni book bhi compile kar aap in sabko sath leke chal rahi hain. it's very important jo issues aapne highlight kiye hamari society ka ek bahut मेजर मसला है और उनको हाईलाइट होना चाहिए. और आप चूंकि इतने बड़े प्लेटफॉर्म के साथ अब एसोसिएट हो रही हैं सो इस कमेटी के अंदर इस बॉडी के अंदर आपका स्पेसिफिकली रोल क्या होगा. आप किस तरह से किस स्पेसिफिक इशू को लेकर आगे चलेंगी या ओवरऑल जितने भी मसाइल हैं उनको आप टारगेट करने का सोच रही हैं तो इसमें अपने रोल के हवाले से भी हमें बताइए. जी तो मेरा जो टर्म है वो जनवरी में शुरू होगा. जनवरी से पहले हमें एक सब कमेटीज में डाला जाता है जिसमें स्कॉलरशिप हो सकती है प्यूपलेज हो सकती है. प्यूपलेज इज बेसिकली वर्किंग इन इंग्लैंड. तो एंड देयर आर अदर सब कमेटीज आल्सो. तो मेरी मैंने ऑलरेडी अपनी ख्वाहिश इजहार कर दी है कि मैं स्कॉलरशिप में हूँ या प्यूपलेज कमेटीज में हूँ. उस जी क्या फायदा ये है कि अगर देखिए 50% से ज्यादा पाकिस्तानी जो हैं या साउथ एशियन जो स्टूडेंट्स हैं वो लिंकन जिन ही जाते हैं. तो आई वांट कि एटलीस्ट एक मेरे जो मुझसे जो पहले भी बीआरसी मेंबर्स थे दे हैव ट्राइड आल्सो बट अभी तक उनका दे हैव नॉट बीन सक्सेसफुल कि एक जिना जो हमारे कायदे आजम है उनके नाम से जुड़ी हुई एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम हो जो साउथ एशियंस को एंड पाकिस्तानी को हेल्प करे क्योंकि अभी तक इंटरनेशनल स्कॉलरशिप नहीं है. सो फॉर स्टूडेंट्स आई वांट दैट. अदरवाइज ऑल्सो देखिए हम चाहते हैं वहां पर कि एक दफा बात हो जाए तो थोड़ा प्यूपलेज हो थोड़ी एक्सपीरियंस हो थोड़ा वर्क एक्सपीरियंस हो एंड दैट इज समथिंग जो हमारे स्टूडेंट्स को सॉरी बहुत आसानी से नहीं मिलती. तो आई वांट उसमें प्रमोट. और जो हो गया बैन अल-अक़वामी सतह पर हमारे क्लाइमेट चेंज हो गया एलिमनी लॉज जिसकी मैंने बात की पहले ऐसी बहुत सारी लॉज जो इंटरनेशनल लॉज कहलाते हैं जो हमने अभी यहाँ ना इम्प्लीमेंट किए हैं ना हमारी कोई टॉक्स हुई है ना सेमिनार्स हुए टू डिस्कस देम.
सो आई वॉन्ट एटलीस्ट टू स्टार्ट, कुछ तो बात शुरू हो। नहीं नहीं, बहुत अच्छा, अच्छे अच्छे ग्राउंड्स पे आप सोच रहे हो, खासतौर पे जो स्कॉलरशिप का आइडिया था, इट्स ब्रिलियंट। और पाकिस्तान में इतने ब्रिलियंट ब्रेन्स मौजूद हैं हर शोबे के अंदर, और खास तौर पे आपके शोबे के अंदर भी, के जो कि किसी भी जगह पे, किसी भी अच्छे बड़े प्लेटफॉर्म पे अपने आप को मनवा सकते हैं। लेजिस्लेशन की आपने बात की, लॉ मेकर्स लॉज तो बना देते हैं, पाकिस्तान बैरिस्टर ज़ारा सबसे ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं इस वक्त लॉ की इम्प्लीमेंटेशन ना होने की वजह से, एंड पीपल सफ़र बिकॉज ऑफ दैट। और हमारा अनफॉर्चुनेटली जो निज़ाम इंसाफ है इज़ वन ऑफ द वर्स्ट। अभी रिसेंटली जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की ग्रेटिंग आई है, मैं पढ़ रहा था, इसकी बुनियादी वजह आप क्या समझती हैं बींग अ लॉयर, और क्या मुस्तकबिल करीब में कुछ ऐसा हो सकता है आप जैसे अजहान मिल के कुछ ऐसा करें कि हम इससे निकल जाएँ और लॉलेसनेस ख़त्म हो मुल्क के अंदर, जो सबसे बड़ा मसला है मुल्क का? जी एब्सोल्युटली, देखिए अगर सिर्फ हम अपने प्रोविंस की बात करें, फॉर एग्जांपल सिंध इज द मोस्ट, वी हैव द मोस्ट लॉज, सो लेजिस्लेशन वाइज वी वेरी हैवी, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन से आपने कहा बिल्कुल सही कहा कि हमारी इम्प्लीमेंटेशन बहुत कम है, द परसेंटेज इज मे बी 5%, अवेयरनेस 2%, यू नो, एंड दिस इज नॉट ऑफिशियल फिगर्स, आई एम जस्ट टेलिंग यू इन कंपैरिजन। और यही है कि तो लो कि हम हाउ डू वी हैव टू काउंटर दिस। तो अगर एज आई सेड बैन अक्वामी सतह पर अगर इसकी बात हो सकी, उनके वहाँ के जो यू नो लॉयर्स हैं, जो क्यू सीज या केसीज कहलाते हैं, किंग्स बेंच वाले, किंग्स काउंसिल वाले, उनको अगर हम बुला सकें, उनसे हम बात कर सका, यू नो, एक इंटरनेशनल डायलॉग होगा, तो उस तरीके से तो एटलीस्ट देर विल बी सम सॉर्ट ऑफ टॉक, एंड वी माइट स्टैंड अप फॉर व्हाट वी से। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट, आई थिंक अवेयरनेस ऑफ लॉज हमारे, एक तो आप कह रहे हैं ना, यू टॉक ऑन द साइड ऑफ की अवेयरनेस की सबसे ज्यादा जरूरत है ज़ारा आपके अकॉर्डिंग, एंड यू आर राइट कि जब तक अवेयरनेस नहीं होगी इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से भी हम फर्दर स्टेप नहीं ले सकते। थैंक यू वेरी मच बैरिस्टर ज़ारा बयानी कि आपने मैं ज्वाइन किया, वेरी बेस्ट ऑफ लक, बहुत अच्छी अचीवमेंट है आपकी लिंक्डइन इनके साथ, इनकी जो एसोसिएशन है वो पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी खवातीन के लिए बहुत आगे जाके अच्छा रोल प्ले कर सकेगी। इनसे हमने आपकी मुलाकात करवाई, अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आए। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपको खुश आमदीद कहेंगे, और अब बारी हमारे सेगमेंट मेरा पाकिस्तान की, जिसमें फैरा फैज आज गई हैं जामिया पंजाब यूनिवर्सिटी ओल्ड कैंपस में, और वहां पर उन्होंने कुछ दिलचस्प हकायक भी हमें बता रही हैं, कुछ इंटरेस्टिंग चीजें भी हमारे साथ शेयर कर रही हैं। तो देखते हैं आज का सेगमेंट मेरा पाकिस्तान। पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ने का ख्वाब पाकिस्तान का। जी अस्सलाम वालेकुम फैरा, आपकी क्या कहें जी, प्लेजर होस्टिंग यू हियर एट पंजाब यूनिवर्सिटी। थैंक यू सो मच सर, आज हम पंजाब यूनिवर्सिटी ओल्ड कैंपस को कवर करेंगे। जी जी, ये बहुत अजीम इमारत है, एक बहुत बड़े इदारे की इमारत है, और हम फॉर एवर इंडेटेड हैं नवाब ऑफ बहावलपुर के जिन्होंने तकरीबन 1900 में, यानी जो 18वीं और 19वीं सदी के इख्तिताम पे उन्होंने ये पंजाब यूनिवर्सिटी को डोनेट की। अच्छा, और इसकी जो जगह उनकी थी। जी जी, ये बिल्कुल उनकी थी, और आए मैं आपको लेके चलता हूँ। देखिए जी, ये सामने सेनेट रूम है, बड़ा हिस्टोरिकल है, इसमें सेनेट की मीटिंग होती है। सेनेट की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, अमूमन सिंडिकेट की और एकेडमिक काउंसिल की मीटिंग अभी न्यू कैंपस में होती हैं। ये तमाम वो हमारे चांसलर्स हैं जो सूबा पंजाब के गवर्नर रहे, क्योंकि वो सेनेट के चेयरमैन होते हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के, तो ये उनकी तस्वीरें लगी हुई हैं। अगर आप देखें तो ये नहायत ही खूबसूरत और बहुत ही इम्प्रेसिव, ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज आप जाएं तो वहाँ पर इस तरह की सेनेट रूम्स मिलते हैं। तो सर अभी हम चल रहे हैं सिंडिकेट रूम में, यहाँ पर भी आप देखेंगे कि यहाँ पे वाइस चांसलर्स की लिस्ट लगी हुई है, क्योंकि वाइस चांसलर्स जो हैं वो सिंडिकेट को चेयर करते हैं, तो ये सिंडिकेट का रूम है। यहाँ पर कौन कौन से मेजर सब्जेक्ट्स में वो ऑफर किए जाते हैं? देखिए जी, जो सबसे ज़्यादा अहमियत है मेरे ख्याल में जिस सब्जेक्ट की है, वो है ओरिएंटल कॉलेज जो है, क्योंकि अल्लामा इकबाल खुद जो है उस ओरिएंटल कॉलेज की लाइब्रेरी में आकर बैठते रहे। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर आईटी कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड डिज़ाइन यहाँ पर मौजूद है, फार्मेसी डिपार्टमेंट मौजूद है, कॉमर्स डिपार्टमेंट जो है वो थोड़ा सा बाहर निकल के जैन मंदिर की तरफ है, मैं आपको आर्ट एग्जीबिशन की तरफ ले चलूँगा। ठीक है, आपने डिफरेंट आर्ट पीसेस देखे हैं यहाँ पे, आपको क्या लगता है जो आर्टिस्ट है वो क्या शो करवाना चाह रहा है? विजुअल आर्ट का एक बड़ा कमाल होता है कि ये बहुत इम्पैक्ट करता है हमारे माइंड्स पे, हमारी स्पिरिट्स पे,
यहाँ मैं देख रहा हूँ कि इनके पीएचडी के जो प्रोजेक्ट्स हैं ये बड़े मैच्योर स्टूडेंट्स हैं, ये जो हमारे सोसाइटल साइकोलॉजिकल इकोनॉमिक इश्यूज हैं उनको हाईलाइट कर रहे हैं अपने आर्ट्स की मदद से। तो सर अगर हम इस हॉल की बात करें जहाँ पे इस वक्त हम मौजूद हैं, इसकी भी नो डाउट एक बहुत रिच हिस्ट्री है। डॉक्टर मोहम्मद इकबाल उनका ज्यादातर वक्त इस हॉल में गुजरता था। शिकवा जवाब शिकवा की जो तहरीर हुई वो भी इस हॉल, इस ग्रैंड हॉल में हुई। तो अभी चलते हैं सर आगे जी, और इस यूनिवर्सिटी का आपको विजिट कराते हैं, इसकी तारीख के बारे में आपको बता जी। मैम ये कौन सी जगह है और यहाँ पे मुझे एक बरगद का पेड़ नजर आ रहा है। इस जगह का नाम पर्ल कोर्टयार्ड है। इस जगह पर हम अपने बहुत सारे बच्चों का काम इंस्टॉल भी करते हैं, जैसे थीसिस डिस्प्लेज हैं। अभी भी एक कमरा मैं अभी आपको दिखाती हूँ। अच्छा यहाँ पे मुझे नजर आ रहे हैं ऊपर ताले लगे हुए, बिल्कुल एक बड़ा ताला है, उसके बाद छोटे छोटे ताले हैं। ये हमारे बच्चों के जितने असाइनमेंट्स होती हैं वो उनके जो आइडियाज, जिस तरह से जैसे वो मजार कल्चर से आजकल बहुत इंस्पायर्ड हैं। क्या मकसद है इस झूले को बनाने का? इनफैक्ट ये जिस बच्चे का भी ये प्रोजेक्ट है उसका कॉन्सेप्ट है कि जिंदगी को जिस तरह हम लोग ले रहे होते हैं या हम जिस तरह दूर से देख रहे होते हैं उस तरह नहीं होती। ये हमारा भी रिसेंट जो थीसिस हुआ था उसमें एक स्टूडेंट का स्कल्पचर है जिसने सेल्फ को बनाया है। अच्छा ये कितने अरसे में कम्प्लीट हुआ होगा? 2 से 3 महीने। नाज़रीन अभी हम आपको जिस क्लास में लेके आए वो क्लास बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर पीछे बच्चे जो हैं कुछ प्रैक्टिस कर रहे हैं, अपने हैंड्स के ऊपर वो क्लासेस बना रहे हैं। मैम इसके अलावा ये मुझे एक आर्ट पीस नज़र आ रहा है, इसके बारे में बताएं ये किसका बना हुआ है? जी जैसे मैंने आपसे जिक्र किया था, एना मौलका अहमद फाउंडर ऑफ कॉलेज ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन, और उनका एक बेसिक मीडियम पेंटिंग तो था ही, उसके साथ वो स्कल्पचर भी करती थी। ये उन्हीं का एक पीस है जो हमारे पास अभी भी मौजूद है, ये आपके जो नज़र आ रहा है आपके सामने। और ये कितना पुराना होगा मैम? 75 years. तो मैम मुझे ये बताएं कि क्या पंजाब यूनिवर्सिटी ओल्ड कैंपस में म्यूजिक की क्लासेस भी होती हैं? मैं आपको वहाँ पे लेके चलती हूँ। चले जी। जबरदस्त जी, और क्या ही खूबसूरत परफॉर्मेंस थी, कानों में रस घोल दिया इस परफॉर्मेंस ने और क्या ही माहौल क्रिएट कर दिया मैम, और ये सारा क्रेडिट आपको जाता है। थैंक यू सो मच। ये आपके डिपार्टमेंट के रोशन सितारे हैं और ये मेरा ख्याल है फर्स्ट बैच है इनका ये, माशाल्लाह। थैंक यू सो मच मैम फॉर योर टाइम, हमने बहुत वक्त लिया आपका लेकिन बहुत मजा आया। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं खैरियत से हूँ, आपको हम वेलकम करते हैं फैकल्टी ऑफ कंप्यूटिंग एंड आईटी में। थैंक यू सो मच सर। अगर हम पाकिस्तान और इंडिया की बात करें तो चाहे मैच हो चाहे बॉर्डर्स हो, हम हमेशा टक्कर पर खड़े होते हैं, लेकिन जो आईटी का डिपार्टमेंट है इसमें कहीं ना कहीं इंडिया हमसे काफ़ी ज़्यादा आगे है। तो बतौर डीन आप क्या देखते हैं कि पाकिस्तान आइंदा आने वाले सालों में आईटी के जो फील्ड है उसमें कहाँ पर होगा? मुकाबला तो है और मुकाबला जारी है, और हम इस मुकाबले को एक हेल्दी कंपटीशन के तौर पर लेते हैं। अलबत्ता इस बात से मैं मुकम्मल तौर पर इत्तेफाक नहीं करूँगा कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा आगे। दे आर एक्चुअली गुड जस्ट बिकॉज दे हैव स्केल्ड अप देयर स्किल्स, बिकॉज दे हैव प्रोड्यूस्ड यू नो लार्ज नंबर ऑफ ग्रेजुएट्स। आईटी के सेक्टर में हम ये समझते हैं कि जैसे कि ये अदारा जो है आज तक 11,000 ग्रेजुएट्स प्रोड्यूस कर चुका है। सर ये लैब जो है वो बच्चों के लिए इजीली एक्सेसिबल है या यहाँ पे कोई टाइमिंग्स होती हैं? ये बड़ा अच्छा सवाल आपने किया, इसको हमने जनरल पर्पस कंप्यूटिंग एरिया कहते हैं या जनरल पर्पस लैब कहते हैं। यहाँ पे कोई स्केजुअल नहीं है, स्टूडेंट्स होल डे के लिए यहाँ पर अपना काम जारी रख सकते हैं। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। पंजाब यूनिवर्सिटी ने मुल्क के हर शोबे में गिरां कदर खिदमात पेश की। ये था आज का मेरा पाकिस्तान, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए एक्सप्रेसो। हिस्टोरिकल फैक्ट्स हमने आपको बताए, आगे बढ़ते हैं, ब्रेक तो हमने लेनी है लेकिन उससे पहले इस वक्त लाइव क्रिकेट मैच चल रहा है मुल्तान पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड। अच्छी खबर भी दे दिया करो कोई हमला कभी जिंदगी में, वैसे हो गया ठीक कह रही हैं आप। फहीम अशरफ के हवाले से आपको बताएं पाकिस्तान के पहले, और ये वही हुआ जिसके बारे में मिर्जा साहब कह रहे थे कि पहला सेशन हमने अच्छे से गुजारना है, अगर हमने पहला सेशन विदाउट लूजिंग एनी विकेट गुजार लिया तो आगे हमारे लिए आसानी हो सकती है। लेकिन फहीम साहब ने तो घर जाना था क्योंकि पाकिस्तानी प्लेयर्स ने तो रुकना नहीं है ना, और ये चेक करें जी एक बॉल जो कि जिसको अच्छा मूव मिला और सीधा उन्होंने ये कैच हाथों में दे दिया और इस तरीके से पाकिस्तान एक और विकेट गवाई। इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल है, 5 विकेटों के नुकसान पर 215 रन पाकिस्तान का स्कोर है जी, और पाकिस्तान स्टिल उसको 140 रन की ज़रूरत है, और जबकि इंग्लैंड को मजीद 5 विकेटें चाहिए इस टेस्ट मैच को और सीरीज को अपने नाम करने के लिए। हम आपको आगाह करते रहेंगे, देख लेंगे।
वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। ब्रेक के बाद वापस आ चुके हैं जी। और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में पहाड़ों का आलमी दिन आपको बताएं तो कल मनाया गया, गुज़िश्ता रोज़ मनाया गया। और इस दिन को मनाने का मकसद भी यही है कि आलमी सतह पर जो पहाड़ों पर रहने वाले लोग हैं उनके माहौल में मस्बत तब्दीलियाँ लेकर आने। और साथ साथ अक़वामे मुत्तहिदा की जनरल असेंबली ने 2002 में ये बैन अल-अक़वामी इसको साल करार दिया। और 2003 के बाद जो है हर साल 11 दिसंबर को पहाड़ों का आलमी दिन यानी कि इंटरनेशनल माउंटेन डे मनाया जाता है। लेकिन माहौलियाती तब्दीली की वजह से इन पहाड़ों को शदीद और यहाँ पर रहने वाले लोगों को शदीद खतरात लाहक हैं। और इसी वजह से हम क्लाइमेट चेंज को बार बार डिस्कस भी करते हैं। आज हम पाकिस्तान में इस हवाले से इसलिए बात करेंगे क्योंकि पाकिस्तान में पहाड़ बहुत ज़्यादा हैं, हमारी जो बहुत सारी आबादी है पहाड़ों में रहती है और यहाँ पर रहने वाले लोगों को जो चैलेंजेस हैं उस पर हम बात करेंगे। बिल्कुल, इनका बहुत बड़ा किरदार है, ग्लेशियर्स का बहुत बड़ा किरदार है और दुनिया का नुए इंसानी का मुस्तकबिल इनसे वाबस्ता है। और इस पर इस वक्त दुनिया भर के पहाड़ उनको ख़तरा लाहक तो है, लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जैसे कि हमने कहा कि यहाँ पर कुछ लोग तो कहते हैं पहाड़ हैं ही पाकिस्तान में, और हैं कहाँ पर वो जो लोग कहते हैं उनमें से एक हमारे साथ मौजूद हैं वक़ार मलिक साहब, जो कि इन पहाड़ों को काफ़ी हद तक जानते भी हैं, इनसे इनका वास्ता भी है और इन पे लिखने वालों को पढ़ते भी हैं और ख़ुद भी लिखते हैं। सवाल रहने वाले लोगों के बारे में भी। सो वेलकम टू द शो। पहाड़ों का आलमी दिन तो हो गया, आया गुजर गया। पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पर शायद ये सबसे बड़ा मौजू होना चाहिए था और सबसे ज़्यादा इस पर बात होनी चाहिए थी, आप क्या कहेंगे इसको? मैं बिल्कुल यही कहूँगा कि पहाड़ों का आलमी दिन है ही पाकिस्तान का दिन। हैरान कन तौर पर आप ये देखिए कि अगर आपको यानी बहुत ही बड़े बड़े छोटे छोटे शुमारियात इस तरह की हम करें, पाकिस्तान जो है वो मुल्क है जिसका 60% जो इलाका है वो है ही पहाड़ों पर मुश्तमिल है और 4 करोड़ आबादी जो है वो पहाड़ों में रहती है। फिर पाकिस्तान के जो हाईएस्ट पीक्स हैं आप उनका अगर देखा जाए तो आपको एक्चुअली कहीं कंपैरिजन है नहीं, इवन नेपाल के साथ भी नहीं है। नेपाल के साथ हमारा जो कंपैरिजन बनता है वो सिर्फ 8000 के हद तक बनता है कि 8000 में हमारे पास 5 है, ये दुनिया की जो 14 बुलंदतरीन चोटियाँ उसमें से 5 पाकिस्तान में है और 8 जो है वो नेपाल में है। इस तरह इस वहाँ पे कंपैरिजन है। 7000 पे जब आप आते हैं जो 7000 वो पाकिस्तान में 100 से ज़्यादा पीक्स हैं। फिर जब 6000 पे आते हैं तो वो फिर आप 4-5 हज़ार से भी आगे निकल जाते हैं और जो 4000 और 6000 के दरमियान में काउंट नहीं हुई हुई तो मतलब उसका कोई कंपैरिजन और किसी जगह पे है नहीं। अगर आप कभी नाज़रीन जो देख रहे हैं कभी वो विकीपीडिया कर लें या कोई भी इस तरह की कोई ऐसा सोर्स में जाएँ तो किसी और मुल्क को कर लें तो आपको उनको समझ आ जाएगी कि नेपाल कर लें, नेपाल ही है हमारा कंपटीटर और तो है कोई नहीं। पाकिस्तान में जो पहाड़ों का मामला है वो इतना है कि 60% जो हमारा पूरा रीजन है वो है ही पहाड़ों पर मुश्तमिल। सो अगर आप जितने भी हैं यानी 8000 7000 6000 तमाम कुछ अगर देखा जाए तो पहाड़ों का आलमी दिन जो है वो असल में तो उसकी एक सेलिब्रेशन का या इसके हवाले से जितने भी सेमिनार्स हैं जितने भी कॉन्फ्रेंसेज हैं दुनिया जहान का जो मरकज होना चाहिए वो तो पाकिस्तान को होना चाहिए। हमारे लिए बस एक फॉर्मल सा होता है, बस वो दिन आया है पहाड़ों का आलमी दिन आया है और बस निकल गया गुजर गया। और हमने शायद आज बात कर ली, बहुत सारे लोगों को इसका पता भी नहीं होगा। तो वकार भाई, जो पहाड़ों पर चूंकि आप जिससे आप बहुत बेहतर तौर पर जानते हैं, आपने काफी हद तक इनको और भी किया है वक्त के साथ साथ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, आपको क्या लगता है यहाँ पे क्लाइमेट चेंज की वजह से और वैसे भी ओवरऑल सर्कमस्टांसिस की वजह से लोगों को चैलेंजेस क्या हैं, क्योंकि बहुत सारी आबादी पहाड़ों में रहती है? पूरी दुनिया में चैलेंजेस हैं और जब हम पूरी दुनिया में बात करते हैं तो फिर अगेन बड़ा प्रोपोर्शन है ही पाकिस्तान में तो उसी की बात करेंगे। पूरी दुनिया में ये चैलेंजेस हैं कि दुनिया की 80% वो आबादी जो पहाड़ों में रहती है, यानी 100 जो अगर फर्द पहाड़ों में रहते हैं उसमें से 80% आबादी खत्ते गुरबत से नीचे रहती है। वजह एग्रीकल्चर तो है नहीं, ज़राअत के तो बहुत लिमिटेड उसमें होते हैं। दूसरा उनके पास सिर्फ एक ही चीज़ रह जाती है और वो है कि कोई नेचुरल रिसोर्सेज जैसे माइनिंग है या इस तरह की चीज़ें रह जाती हैं या फिर टूरिज्म रह जाता है कि इस तरह का कोई चीज़ हो कि वहाँ पे इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर हो वहाँ पे टूरिज्म हो, इस वजह से वहाँ पे 80% आबादी जो है वो खत्ते गुरबत से नीचे रहती है। अब यहाँ पे जो पाकिस्तान के हवाले से आप देखें तो टूरिज्म के हवाले से भी कुछ नहीं है और फिर दूसरे हवाले से भी कुछ नहीं है। पाकिस्तान में तकरीबन 4 करोड़ से ज़्यादा लोग जो हैं वो पहाड़ों में रहते हैं और ओवरऑल पूरी दुनिया में आई थिंक 15 करोड़ 150 मिलियन जो लोग हैं वो रहते हैं पहाड़ों में और उसमें से एक मेजर पोर्शन जो है पाकिस्तान में रहते हैं। पाकिस्तान में जो रेंजेस हैं अगर आप उसको कोई सफ़ैद कोई सलमान और थर में जो करंजर का जो पहाड़ है और उसके बाद फिर ऊपर आप आज तरह साल्ट रेंज है फिर ऊपर कराक्रोम हिंदू को शिमालिया, फिर आप जब आप कराक्रोम हिंदू को शिमालिया कहते हैं क्योंकि सी लेवल से फिर बहुत अबव हाई या 8000 तक तो वहाँ पर इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी आ जाती है, इतनी ज़्यादा एक मुतनव्वे किस्म का माहौल है जंगली हयात के हवाले से इन तमाम चीज़ों के हवाले से। सो आप ये देखिए कि पाकिस्तान में जो सिर्फ ग्लेशियर्स की तादाद है वो 7000 से ज़्यादा ग्लेशियर्स हैं पाकिस्तान में,
इसका मतलब यह है कि नॉर्थ पोल के बाद कुतुब शुमाली के बाद दुनिया का ग्लेशियर का सबसे बड़ा जखीरा यहाँ पे। अब इतना बड़ा जखीरा जो है इसके वाले से दुनिया को हसास होना पड़ेगा। ये सिर्फ ये तो नहीं है कि ये सिर्फ पाकिस्तान का मामला है, उसकी बका का मामला है, पूरी दुनिया की बका का मामला है कि फ्रेश वाटर जो है ऑलरेडी 3% है पूरी दुनिया में, उस 3% में कुतुब शुमाली है और पाकिस्तान के पास वो तवील तरीन ग्लेशियर्स और वो जखायर हैं। तो वो जितने भी मामलात होंगे अगर वहाँ पे जो ऊपर रहने वाले हैं पहाड़ों के ऊपर रहने वाले, क्योंकि हम वही कहते हैं ना कि पहाड़ों पर छुट्टियों के लिए जाना बिल्कुल एक अलग एक्सपीरियंस है। हम बार बार दुनिया को सेंसिटाइज तो कर रहे हैं, अभी रिसेंटली शर्म शेख में भी इस पर बात हुई, उससे पहले भी जो प्राइम मिनिस्टर आई थिंक इट वाज इन जिनीवा बात हुई थी क्लाइमेट चेंज के ऊपर। क्लाइमेट चेंज सबसे बड़ा मौजू है इस वक्त और उसकी वजह से पाकिस्तान तो सफ़र कर ही रहा है, आपने कहा दुनिया का मसला, हम सेंसिटाइज कर तो रहे हैं लेकिन क्या दुनिया में उस हद तक एहसास आया है इस चीज़ का, और अगर नहीं आया तो हमें ऐसा क्या करना चाहिए? मेरा ख्याल है कि वो आपने बड़ी अच्छा एक बात की है कि जो 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 क्लाइमेट चेंज है, देखिए क्लाइमेट चेंज पाकिस्तान क्यों कहा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा सफ़र करें, क्यों? अगेन पहाड़ हैं ही पाकिस्तान में, अब जब पहाड़ हैं ही पाकिस्तान में, ग्लेशियर्स हैं ही पाकिस्तान में, आउट ऑफ प्रोपोर्शन ये अगर पूरी दुनिया से देखा जाए, तो जो क्लाइमेट चेंज है वो सबसे ज़्यादा असरअंदाज, यानी जहाँ पर उसकी उसने शुरुआत की है असरअंदाजी की, जब भी असरअंदाज की वो शुरुआत करेगा तो वो हाइस्ट या बुलंदियों से करेगा और बुलंदियों से नीचे आएगा, तो बुलंदियाँ कहाँ हैं पाकिस्तान में? तो दुनिया को कोई इतनी परवाह नहीं है क्योंकि अभी तक उन तक ये मसाइल पहुंचे नहीं है, उन तक ये इसके इफेक्ट्स असरात पहुंचे नहीं है, लेकिन पाकिस्तान इसकी सफर करना शुरू कर दिया पाकिस्तान में, क्योंकि वहाँ पे ना खानदगी की शरह ये है, ना हुकूमतें हमारी जैसी ना अहल हैं वहाँ पे, तो वो लोग इस चीज़ किससे कंसर्न है ना कि हमारा फ्यूचर क्या है, हमने कहाँ पे जाना है। जैसे एक टेररिज्म की मैं मिसाल लेता हूँ कि वो इस खत्ते को रिलेट करते हैं जी कि साउथ ईस्ट साउथ एशिया के अंदर जो है या पाकिस्तान अफगानिस्तान वगैरह को रिलेट करते हैं यहाँ पे टेररिस्ट हैं ऑल, और उससे उन्होंने पूरी दुनिया के अंदर एक भूचाल मचा दिया अमरीका और दीगर ममालिक ने। ये मसला उससे भी बड़ा है, वो तो टेररिज्म तो नज़र आता है, ये तो एक अनसीन एनिमी है टेररिज्म, तो वो सेंसिटाइजेशन क्यों नहीं है? टेररिज्म में जो पूरी दुनिया में भूचाल आया उसके मामला बहुत हद तक पोलिटिकल भी है, वो पॉलिटिकल भी हैं, वो कुछ और मफादात, कुछ मफादात और हैं, यानी कुछ मामलात टेररिज्म के साथ जुड़े हुए हैं, कुछ मफादात और भी हैं, तो वो तो एक बहुत ही ब्रॉडर रेस्पेक्ट में उन्होंने कुछ और तरह किया। क्लाइमेट चेंज को भी आप पॉलिटिसाइज कर दें उसके बाद देखें कैसे भूचाल आते हैं, पॉलिटिसाइज आप हो सकते हैं ना, और बल्कि होगा, ऑफकोर्स इंडस्ट्रियल मामलात होंगे, दूसरे ममालिक कहेंगे कि आप अपना ये बंद करें और ये अदरवाइज ये सब कुछ ये हो जाएगा, तो ये तमाम चीज़ें जब पॉलिटिसाइज हो जाएंगी तो आप देखिएगा कि क्लाइमेट चेंज जो है वो बिल्कुल एक मेजर चीज़ बन के सामने आ जाएगा। बट मसला ये है कि अगेन वो जो पढ़े लिखे लोगों की आप बात कर रहे हैं, उनको बाशऊर लोगों की बात कर रहे हैं, उनको अभी से ये पैटर्न नज़र आना चाहिए कि दुनिया भर में जितनी बुलंदियाँ हैं क्लाइमेट चेंज सबसे ज़्यादा सबसे पहले उन पर असरअंदाज होता है, उन पर असरअंदाज होने की मुराद ये है कि फिर पाकिस्तान है या किर्गिस्तान और ये पूरा जो रीजन है पामीर का और पाकिस्तान में, क्योंकि बुलंद तरीन पहाड़ यहाँ पे हैं, तो यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर ग्लेशियर्स बाकायदा मुतासर हो रहे हैं। हमने अभी भी उस पर एक हमारे दोस्त हैं वहाँ पे, उन्होंने स्टडी किया शिस्पर ग्लेशियर से लेके मुख्तलिफ ग्लेशियर्स भी किए, वो बाकायदा उनके अंदर जो झीलें हैं वो बन रही हैं और वो किसी टाइम आउटब्रस्ट हो सकती हैं, ये तमाम चीज़ें फ्लैश फ्लड्स हमने और ऐसे कुछ ट्रेलर्स हमने देखे बहुत ज़्यादा, ये 2022 हमारा पूरा जो है 2022-2021 इसी में गुजरा, फ्लैश फ्लड्स आए हैं और उनकी जो फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है, हमें चीजें मिले हैं। अभी पिछले दिन हम बामबेयर्स की बाजगश्त कर रहे थे तो उसमें बड़ी एक हैरान कन बात थी, नेपाल की मायर ने बताया कभी ऐसा नहीं हुआ कि एवलॉन्चेस जो हैं जो बर्फानी तोदे हैं तो वो एक गड़गड़ाहट होती है, एक आपको एक वेव सी होती है फील होती है, मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से एक ये चीज़ भी नजर आ रही है कि वो खामोशी से आते हैं, खामोशी से आते हैं यस, और ये एक अजीब सा फिनोमेना है और बहुत सारे। अच्छा इन द एंड अब ऑब्वियसली हमारी प्रायोरिटीज में अनफॉर्चुनेटली ये सारी चीज़ें नहीं है, हम बात तो कर रहे हैं लेकिन जो हमारी प्रायोरिटी का हिस्सा होना चाहिए क्लाइमेट चेंज है या आज हम इस दिन के हवाले से बात कर रहे हैं, स्टेट लेवल पे क्या हो सकता है? मतलब अच्छा सीधी सी बात करूंगा, हमारे स्टेट लेवल पे इसलिए वो ममालिक जो जिनकी बहुत कसीर तादाद आबादी की खत गुरबत से नीचे रहती हो ना, क्लाइमेट चेंज और इस तरह के मामलात बड़े सॉफ्ट किस्म के सब्जेक्ट समझे जाते हैं, वहाँ पे तो ये समझा जाता है कि यहाँ पे यानी आज आप इंडस्ट्री की बात करेंगे तो वो कहेंगे भाई नहीं इधर से बेरोजगारी भी तो देखें ना, इधर से हम इंडस्ट्री बंद करते हैं बेरोजगारी, हमारे लिए ये प्रायोरिटी है। सो हमारे लिए स्टेट लेवल पर इस तरह के मामलात है नहीं, हम मेरे ख्याल में इस वक्त मुखातिब कर रहे हैं दुनिया में जिस जिस शहर में ये स्टूडियो मौजूद है और जिस शहर से मुखातिब है वो तो आपको मालूम ही है कि स्मोक के हवाले से या फिजाई आलूदगी के हवाले से किस लेवल पे है,
पिछले दिनों तुम्हारे मीडिया के रोल से आप मुतमईन हैं जो हम अवेयरनेस को लेकर या ओन, क्योंकि पाकिस्तानियों का सबसे बड़ा रोल है ना अपने पहाड़ों को ओन करने का और उस पर काम करने का, आप खुद भी इसका हिस्सा हैं, आप किस हद तक मुतमईन हैं जो रोल हम अवेयरनेस को लेकर प्ले कर रहे हैं, इसकी सिग्निफिकेंस को लेकर प्ले कर रहे हैं? मेरा नहीं ख्याल, उसकी वजह यह है कि अभी पिछले दिनों एक प्राइम मिनिस्टर के हवाले से मैंने एक इश्तहार देखा था, मुझे अच्छा लगा था कि प्राइमरी के सतह पर और जितना भी सिलेबस है इसके अंदर जानवरों के हवाले से असासियत जो है या वाइल्ड लाइफ के हवाले से वो डाली जाए। बिल्कुल, इस तरह की इकदाम आपको थोड़ी देर के लिए एक वक्ती खुशी ज़रूर देते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगा। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के अंदर जिस तरीके से वाइल्ड लाइफ आप वाइल्ड लाइफ की बात कर लें, आप क्लाइमेट चेंज की बात कर लें, आप किसी भी ऐसे फिनोमेना की बात कर लें, उसके लिए दो चीजें जो है वो मामिन साबित हो सकती है, एक नेशनल पार्क है, दूसरा कम्युनिटी है। अकेले नेशनल पार्क भी कुछ नहीं कर सकता कि आप कहें कि वहाँ पे एक तहफ़ के लिए माहौलियात के लिए आप सारा कुछ कर लें। हमारे हैं क्राक्रम वाले और देवसाई से लेके और ये जितने भी ब्रोगल है और गोल है, बहुत अच्छे नेशनल पार्क हैं, अच्छे तजर्बे हैं, लेकिन अगेन वो तजर्बे इसलिए सक्सेसफुल हैं क्योंकि वहाँ की लोकल कम्युनिटी भी उनके साथ है। अदरवाइज लोकल कम्युनिटी आपके साथ नहीं हो उस नेशनल पार्क में कितना का आप सिक्योरिटी दे देंगे वाइल्ड लाइफ, अंदर वो घुस के मार लेंगे, लेकिन वो कम्युनिटी की जो वो अगेन मैं वो इश्तहार की बात कर रहा हूँ, ठीक कि वो वाली बात जो है कि आपने अपनी जो तब्दीली है वो सिर्फ आप प्राइमरी की सतह पे और मिडिल की सतह पे निसाब में तब्दीली से ला सकते हैं। ये तो हम सारा टूरिज्म के कॉन्टेक्स्ट में, आखिर में बिल्कुल मुख्तसर मिनरल्स के हवाले से भी, तो पहाड़ सबसे इंपॉर्टेंट हैं और पाकिस्तान मिनरल से बलोचिस्तान माला माल है, उसमें भी हम कुछ खास काम नहीं कर पाए आज तक, हमारी कोई अचीवमेंट उसमें भी नहीं है। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के पास अगर सिर्फ ये कराकरम हाईवे है ना, यानी मैं सिर्फ टूरिज्म की बात करूँ, टूरिज्म तो बहुत पाकिस्तान में बहुत ब्रॉडर एक चीज़ है ना, बहुत ही बड़ी, जब दुनिया में पहाड़ है ही पाकिस्तान के अंदर, मैं इतनी बड़ी ब्रॉडर बात नहीं कर रहा, मैं उसको बिल्कुल नैरो डाउन करके सिर्फ कराकरम हाईवे की बात कर रहा हूँ कि सिर्फ एक कराकरम हाईवे जो है ना पाकिस्तान की कमर सीधी कर सकती है फाइनेंशियली, लेकिन अगेन कौन करेगा उस पूरी, अगेन मैं फिर वही रिपीट करूंगा वो जुमला कि दुनिया के आठवें अजूबे पे हमने अभी तक वॉशरूम्स नहीं बनाए, हमने अभी तक वॉशरूम्स नहीं बनाए, वहां पे क्या हमारी जिंदगी में घड़ियां खत्म नहीं होती, प्यार की घड़ियां, मोहब्बत की घड़ियां, बहुत बड़ी घड़ियां, हर घड़ी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम हर घड़ी जाया कर रहे हैं पहाड़ों पे बात ना करके, हर घड़ी हम इस पे बात करनी चाहिए और घड़ी घड़ी हम ये करते रहेंगे। मैंने कोई सियासी बात नहीं, हम देख लेंगे। लेते हैं हम कुछ मारूफ समाजी रابطے की वेबसाइट ट्विटर की, जिसमें रकम के वज ब्लू बैच की सब्सक्रिप्शन सर्विस का दोबारा से आगाज हो चुका है, आगाज करने जा रहा है इनफैक्ट ट्विटर, जो खबर इस इदारा है उसके मुताबिक कई नाकाम कोशिशों के बाद ट्विटर ने ऐलान किया है कि कंपनी सब्सक्रिप्शन सर्विस अगले हफ्ते से दोबारा शुरू कर रही है। इसमें प्लेटफॉर्म पर मौजूद जो मुख्तलिफ अकाउंट्स हैं उनकी तस्दीक का निज़ाम मुतारिफ कराना है। ट्विटर ने यह भी ऐलान किया है कि ट्विटर ब्लू की सब्सक्रिप्शन के तहत जो वेब है इसके लिए माहाना $8 वसूल किए जाएंगे, जबकि आईफोन्स के लिए यहाँ पे भी $3 एक्स्ट्रा है और $11 भी। आईफोन महंगा फोन है अमला हसन, $11 लूटेंगे क्या? नहीं, वो महंगे फोन का मतलब ये कि इसके पास पैसे ज्यादा हैं, उससे ज्यादा लिए जाए, लेकिन इससे पहले एक तजर्बा जो किया था ट्विटर ने वो नाकाम इसलिए लगता था क्योंकि बहुत सारे लोगों ने पैसे देकर फेक सब्सक्रिप्शंस ले ली थी और बहुत से ब्रांड्स को इसका नुकसान हुआ था और इस पे उन ब्रांड्स ने बड़े वो नाला भी हुए थे। कुछ ब्रांड्स पे तो ऑफिशियल अकाउंट्स पे ट्वीट्स आना शुरू हो गए थे, वेरीफाइड अकाउंट्स से, और लोग परेशान हो गए थे कि इन कंपनीज को क्या हो गया, किस किस्म की ट्वीट्स कर रहे हैं, तो ये पता नहीं इस बार क्या इसमें ये जुगाड़ लगाएंगे, बस एलन मस्क कमा लेंगे, बाकी का नहीं पता, लेकिन ये $8 दीजिए और अपना $11 दीजिए एंड ब्लू टेक हासिल कीजिए, ये है नई कोशिश ट्विटर की। सो इसके साथ ही प्रोग्राम हमारा अपने इख्तिताम को पहुंचा, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, और जिसके साथ साथ हम एक बेस्ट ऑफ लक कहते जाएंगे, मेरे जहन में था लेकिन मैं कहना नहीं चाह रहा था, बेस्ट ऑफ लक मैं आपको याद करा रही हूं, इस मुंह के साथ बेस्ट ऑफ लक कहते जाएंगे इस मूड के साथ के पाकिस्तान की टीम जो इस वक्त मुल्तान के अंदर मैच जारी है और कुछ सूरत हाल अच्छी नहीं है, हमने आपको बताया इस वक्त ताज़ा तरीन मनाजिर आपको देख रहे हैं, गर्चे के सऊद शकील एक दीवार बने हुए हैं, उनकी कोशिश है कि वो इस इनिंग को अमर कर जाए, अगर वो कर जाते हैं तो यकीनी तौर पर अमर कर जाएंगे। पाकिस्तान को मजीद आई थिंक 108 रन की अभी ज़रूरत है अरबला हसन, नवाज़ ने 23 रन बनाए हैं, ये खुशाइन अमल है। सऊद शकील इस वक्त 72 रन पर नॉट आउट है जबकि 175 गेंदों का उन्होंने सामना किया है और इस वक्त ये मैच मुल्तान में जारी है जो कि आपको मनाजिर हम इस वक्त दिखा भी रहे हैं। ऑल द बेस्ट टू पाकिस्तान टीम, अल्लाह करे रिजल्ट अच्छा आ जाए, हमें दे दें छुट्टी, हम आपसे मिलेंगे, हमें छुट्टी चाहिए, अल्लाह अल्लाह हाफिज़।